नमस्कार श्री राधे तुदेय उपाद पंगजम नमामि देवी नर्मदे। 12 राशियों का बड़ा महत्व है, साथ साथ मेरे भाई बहनों 27 नक्षत्र और नवग्रह, इससे हमारा भूमंडल और संपूर्ण विश्व संचालित होता है। आइए सर्वप्रथम जब भी शुभ आरंभ करते हैं तो श्री गणेश जी का निश्चय ही स्मरण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नम कुरु देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। बंधु विघ्न को हरण करने वाले श्री गणेश जी के चरणों में वंदन। आइए हम सब मेष राशि के बारे में जानें। मेष राशि सर्वप्रथम राशि है। मेष राशि का नक्षत्र अश्विनी है जिसका स्वामी मंगल है। कहीं मेष राशि वालों को किसी भी प्रकार की शारीरिक आर्थिक मानसिक इन तीन गतिविधियों में कोई भी परेशानी है तो सर्वप्रथम वो श्री हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ाए मंगलवार या शनिवार को। उससे सर्वप्रथम तो उसका ग्रह उच्च का होगा, ग्रह श्रेष्ठ रहेगा और ग्रह की गति जो है उसके साथ सहयोग करेगी, क्योंकि मंगल के साथ अभी वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है, इसलिए बनते काम उसके बिगड़ जाते हैं। अभी अभी फिलहाल में आपने देखा पिछले 16 जुलाई पूर्णमासी को गुरु पूर्णिमा में चंद्रग्रहण भी पड़ा। चंद्रग्रहण का भी बहुत बड़ा प्रभाव है, वो स्वास्थ्य में, बिजनेस में, व्यापार में उथल पुथल करता है। इसलिए मेष राशि वाले हनुमान चालीसा का जाप करें, हनुमान जी महाराज के चरणों में गुड़ और चना का प्रसाद चढ़ाएं और वो गरीबों को बांटें, जो दीन अपंग हैं उनको वो प्रसाद बांटें और दान करें। निश्चय मेष राशि वालों को फायदा प्राप्त होगा, लाभ मिलेगा। मेष राशि वाले मंगला देवी का भी जाप कर सकते हैं। मंगला देवी मेष राशि में सदा सहयोगी रहती हैं और वो अन्नपूर्णिमा से धन वृद्धि से उसको उत्थान की ओर ले जाती है। ऐसे मेष राशि वाले इस अनुष्ठान से व्रत करते हैं, साथ साथ वो चाहें तो मेष राशि का स्वामी मंगल के कारण उसका रत्न जो है मूंगा होता है, मूंगा रत्न भी वो धारण कर सकता है, छिंगरे के बाजू वाली तर्जनी उंगली में धारण कर सकता है। पंच धातु में धारण करे, न सोना में न चांदी में, पांच धातु की जो अंगूठी बनती है उसमें कहीं मंगलवार के दिन कच्चे दूध से धुल करके मूंगा धारण करता है, मेष राशि वालों को विशेष फायदा प्राप्त होता है। आइए हम चलते हैं वृषभ राशि की ओर। वृष राशि सर्वश्रेष्ठ राशि है। वृष राशि का नक्षत्र जो है रोहिणी है, उसका स्वामी शुक्र है। वृषभ राशि का नक्षत्र रोहिणी स्वामी शुक्र है, इसमें विशेष करके श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। शुक्र को कहीं आपको आगे बढ़ना है, शुक्र की प्रगति करना है तो आपको चावल का दान, दूध का दान, मोती धारण करना चाहिए। कहीं आप वृषभ राशि वाले, और यह सुंदर श्रावण का महीना भी चालू हो गया है, श्रवण मास में कहीं चावल शक्कर और दूध का भी आप दान करते हो तो आपका शुक्र ग्रह प्रबल होता है। इस समय शुक्र ग्रह पर केतु की महादशा चल रही है और केतु महादशा के कारण उनका भी कार्य बिजनेस में, व्यापार में, बनते बनते कार्यों में व्यवधान आता है, इसलिए वृषभ राशि वाले अपने आराध्य शुक्र ग्रह का पूजन करें और शुक्र ग्रह के साथ साथ कहीं वो भगवान श्री कृष्णचंद्र की पूजन करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करते हैं और शुक्र ग्रह के द्वारा वह भगवान शिव को शिवाय नमः शिवाय करके गाय का दूध गंगा जल मिला करके भगवान शंकर को जलाभिषेक करते हैं तो निश्चय वृषभ राशि वालों को
फलीभूत होगा, उनके बिजनेस और व्यापार में वृद्धि होगी। वृषभ राशि वाले विशेष करके निश्चय पेट और सिर से भी परेशान रहते हैं, उनको पेट में और सिर में हमेशा परेशानी बनी रहती है। वृष राशि वाला, उसका स्वामी जो है पुखराज है, पुखराज सोने में कहीं वो धारण करता है, निश्चय उसको जैसे विवाह में व्यवधान आना, बिजनेस में व्यवधान आना, तो निश्चय वो शुक्र राशि का स्वामी पुखराज कहीं धारण करता है तो उसके शीघ्र ही विवाह कार्य संपन्न होता है। और भगवान शिव की आराधना करने से वृषभ राशि वालों को भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वो किसी शिवालय में जाकर के बेलपत्र और भगवान शिव का दूध से अभिषेक करता है, वृषभ राशि वालों को निश्चय सफलता प्राप्त होगी। मिथुन राशि, तृतीय राशि मिथुन राशि पड़ती है। मिथुन राशि का स्वामी चंद्र है और चंद्र ग्रह जो है शीतलता और शांति का प्रतीक है। देखा गया होगा आज तो उस भगवान शिव शंकर के श्रृंगार के रूप में सिर पर विराजमान रहता है। चंद्रमा शीतलता देने वाला है, शांति का प्रतीक है और उसका स्वामी चंद्र के कारण उसका रत्न जो है मोती ओपल धारण कर सकते हैं। साथ साथ चंद्र के साथ साथ अपने ग्रह को, क्योंकि वर्तमान में भी साथ साथ उसका ग्रह चंद्र जो है, चंद्र के साथ साथ मंगल की भृगु दृष्टि है, मंगल ग्रह भृगु दृष्टि के कारण चंद्र ग्रहण वीक में है। अभी चंद्र ग्रहण के कारण ही मिथुन राशि वालों को भी शारीरिक परेशानी और आर्थिक परेशानी बनी रही है। इस शारीरिक और आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए, चंद्र ग्रह को स्टोन करने के लिए, क्योंकि जब तक हमारा स्वामी स्टोन नहीं होगा, हमारा स्वामी प्रबल नहीं होगा, हमको सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो मिथुन राशि वाले निश्चय ही मोती धारण करें, साथ साथ कच्चे चावल का भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करें 12 शिवलिंग के द्वारा। साथ साथ चंद्र राशि वाले चांदी पर छिंगली की उंगली में वह मोती धारण करें। मोती धारण करने के बाद उसको कहीं मानसिक रूप में कोई तनाव है, कहीं वो विदेश जाना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, तो वह भगवान गणेश जी का भी पूजन कर सकता है। गणेश जी को 12 दुर्वा चढ़ाने से चंद्र राशि वालों के ऊपर भगवान गणपति जी की, विघ्न विनायक भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। मिथुन राशि सबसे प्रबल और बड़ी ओजस्व तेजस्व राशि होती है। कहीं मिथुन राशि वाले थोड़ा सा अपने ग्रहों के ओर ध्यान दें, ग्रहों के प्रति चिंतन करें, तो निश्चय उनको सफलता प्राप्त होगी। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की ओर चलते हैं। कर्क राशि श्रेष्ठ राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्र और साथ साथ बुध है, ये दोनों ग्रह उनके साथ सहयोग करते हैं। तो बुध के लिए भगवान विघ्नहरण गणेश जी का पूजन करें, साथ साथ चंद्र के साथ साथ आप कहीं गणेश जी को 11 लड्डू चढ़ाते हैं तो आपको विद्या बुद्धि और बिजनेस की ओर आपको आकर्षित होना पड़ेगा, सफलता मिलेगी। प्रातः उठ करके आप सूर्य को अर्घ दें, ओम भास्कराय नमः करके बोल के कर्क राशि वाले इसका आप फल प्राप्त कर सकते हैं। कर्क राशि के बाद सिंह राशि श्रेष्ठ राशि है। सिंह राशि वाले आदि शक्ति माँ जगदम्बा दुर्गा की उपासना करें, दुर्गा माँ की पूजन करें। उनका स्वामी सूर्य है, सूर्य भगवान को प्रातः कहीं अर्घ देता है, उसमें एक लोट तांबे के लोटे में थोड़ा सा रोरी डाल करके या लाल तिलक या लाल फूल डाल करके कहीं सूर्य को अर्घ देता है। साथ साथ अपने गुरु का स्मरण करता है, गुरु का जो मंत्र जाप है वह जाप करके और ओम भास्कराय नमः करके वह सूर्य अर्घ देता है, गुरु का जाप करता है, तो निश्चय उसको व्यापार में सफलता, विवाह कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। इस तरह से इस राशि वाले भगवान सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। आइए कन्या राशि के स्वामी भी शुक्र हैं, नक्षत्र स्वार्थी है। स्वार्थी नक्षत्र वाले कन्या राशि वाले बड़े शालीनता वाले होते हैं और गंभीर से अपना शब्द रखते हैं। ऐसे कन्या राशि वालों को भी महालक्ष्मी की पूजन करना चाहिए। वह महालक्ष्मी माता को कहीं वो 2 गुलाब के फूल चढ़ाते हैं और
ओम कम कमले नमा का जाप करते हैं तो उनके यहाँ पर यश कीर्ति और आयु की प्राप्ति होती है। कन्या राशि वाले लगनशील होते हैं और निश्चय ही निडर होते हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ते हैं उन्हें निश्चय सफलता प्राप्त होती है। कन्या राशि वाले माँ लक्ष्मी की पूजन करते हुए आगे बढ़ें। आइए आइए तुला राशि वाले, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, नक्षत्र स्वाति है। तुला राशि वाले भी बड़े श्रेष्ठ और बुद्धिमान होते हैं। तुला राशि वाले निश्चय सर्वप्रथम तो कोई अन्न का दान करें और वस्त्र का दान करें, साथ साथ कहीं तुला राशि वालों को किसी प्रकार की भी शारीरिक व्याधि होती है तो वह मृत्युंजय संजीवनी नटराज भगवान शिव नटराज का ध्यान करें और शिव की मूर्ति का स्मरण करते हुए मृत्युंजय संजीवनी का जाप करते हैं तो, और वह पीपल के वृक्ष में काली तिली और तेल का दीपक जलाते हैं तो तुला राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, व्यापार और वृद्धि में सफलता प्राप्त होती है। आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि बड़ी श्रेष्ठ राशि होती है। वृश्चिक राशि चंचल होती है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, वह भगवान शिव और श्री हनुमान जी महाराज की उपासना करना चाहिए। वह भगवान हनुमान जी के चरणों में जाकर के पंचमुखी हनुमान जी के चरणों में जाकर के कहीं चूल्हा चढ़ाता है, भगवान हनुमान जी को जनेऊ और वस्त्र चढ़ाता है तो उसकी नौकरी संभव है, और साथ साथ वो कहीं एक तिलमुली करके रत्न आता है, तिलमुली रत्न है वो लॉकेट के रूप में धारण करे या वह भगवान गणपति का उपासना करे वो भी काले गणेश जी का, तो निश्चित ये राशि वालों को सफलता प्राप्त होती है। धनुराशि। धनुराशि का स्वामी गुरु है और नक्षत्र मूल है। मूल नक्षत्र वाले जैसे ज्येष्ठ नक्षत्र, मूल नक्षत्र और रेवती नक्षत्र ये श्रेष्ठ नक्षत्र होते हैं। ये मूल नक्षत्र वाले भी चाहें तो व्यापार एवं बिजनेस और कृषि की ओर आकर्षित हो सकते हैं, वो किसानी की ओर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सफलता प्राप्त होगी। कहीं वो भूमि और भवन की ओर चलते हैं, बिल्डर्स की ओर भी ध्यान देंगे तो भूमि भवन और मकान के प्रति भी चेतना लाएंगे तो उन्हें सफलता प्राप्त होगी। साथ साथ यह धनुराशि वाले अपने माता पिता और गुरुजनों के वचनों के पालन करते हुए आगे बढ़ें तो उन्हें सफलता प्राप्त होगी, उनको प्रणाम करना चाहिए। इस तरह से धनुराशि वाले अपने ग्रह को संतुष्ट कर सकते हैं और पीला वस्त्र गुरु को दान करना चाहिए। आइए मकर राशि। मकर राशि भी बड़ी श्रेष्ठ राशि है, दसवें नंबर की राशि होती है। इनका भी स्वामी शनि होता है, शनि के साथ साथ सूर्य की भी महादशा चलती है। इस समय वर्तमान में सूर्य की महादशा है इसलिए मकर राशि वालों का नक्षत्र श्रवण है। श्रवण नक्षत्र के चलते यह जो भी प्लानिंग करते हैं, जो भी विचार करते हैं उनमें व्यवधान आता है, इसलिए उनको तांबे के लोटे में 5 प्रकार का दाल और केवला उसमें डाल करके 7 बार उसको सिर से घुमा करके कहीं बहते हुए जल में छोड़ते हैं तो निश्चय ही मकर राशि वालों का कार्य में सफलता प्राप्त होगी, शीघ्र ही उनका विवाह कार्य संपन्न होगा, बिजनेस में प्रगति प्राप्त होगी। आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी शनि है और शनि स्वामी के कारण इनका नक्षत्र सत्विशा बनता है। सत्विशा नक्षत्र के चलते यह लोहे का कार्य करते हैं या लकड़ी का कार्य करते हैं तो निश्चय सफलता मिलती है। इनको भगवान शनि का जाप करना चाहिए, साथ साथ सूर्य, क्योंकि शनि के पुत्र शनि के पिता जो हैं सूर्य हैं इसलिए सूर्य पुत्र शनि भी कहते हैं, इसलिए सूर्य पुत्र शनि के कारण सूर्य भगवान को भी नमस्कार करना चाहिए और सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। इस तरह से कहीं कुंभ राशि वाले विशेष करके इन्हें लोहा अनाज और वस्त्र का व्यापार करना चाहिए, कहीं ये 3 चीज़ों में चलते हैं और साथ साथ भगवान भास्कर का स्मरण करते हैं, अपने गुरु का ध्यान करते हैं और काली तिली दान करते हैं तो निश्चय इनको सफलता प्राप्त होगी। आइए मेरे भाई बहनों हम चलते हैं पुनः मीन राशि की ओर। मीन राशि 12वीं राशि है जो अंतिम राशि कहलाती है। मीन राशि का स्वामी भी गुरु कहलाता है। उत्तर फाल्गुन नक्षत्र होता है इसका
उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में जन्मे जातक है, कहीं मीन राशि वाले अपने इष्ट का स्मरण करते हैं और इष्ट का ध्यान करके किसी मंदिर का निर्माण करते हैं, तो मंदिर निर्माण होते ही वो है कहीं अपनी भूमि से या मकान से वंचित हैं, तो उनका निश्चय मकान बनने का योग बनता है, प्लाट लेने का योग बनता है और विदेश यात्रा का भी योग बनता है। साथ साथ यह मीन राशि वाले किसी विदेश यात्रा की ओर चलना चाहते हैं तो वह है पीपल का वृक्ष का दान करें, पीपल का वृक्ष लगाएं और साथ साथ समय की पत्ती भगवान शिव शंकर को चढ़ाएं, नमः शिवाय का ध्यान करके, ओम नमः शिवाय का स्मरण करके। कहीं मीन राशि वाले भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं और शिव का स्मरण करते हैं तो उनकी कामनाएँ पूर्ण होती हैं। यह कृष्ण कृपा दरबार के द्वारा आपको ये सुंदर उपाय बताते हैं, जिस उपाय के करने से और सुनने से निश्चय मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।